सो गाइज एज यू कैन सी पीवीआर आइकन में हम लोग एंड यहाँ पर कश्मीर फाइल्स 6 शोज एंड राधेश्याम हिंदी 5 शोज सभी जगहों पर जितने भी थिएटर्स जो है वहाँ पे राधेश्याम के शोज जो है वो कम करके कश्मीर फाइल्स के जो हिंदी शोज है उसको बढ़ा रहे हैं. सो गाइज द कश्मीर फाइल्स 10 AM 1:20, 1:30, 7:45, 10:45 रात का 11:30 का भी है. लेकिन ये फिल्म जो कल सिर्फ एक शो में थी आज पूरे के पूरे 5 शोज में आ रहे हैं. राधेश्याम हिंदी 9:15, 1:30, 4:45, 7:45, 10:45 यानी कि राधेश्याम के 1, 2, 3, 4, 5 शोज है एंड कश्मीर फाइल्स के 6 शोज है पीवीआर आइकन में. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक. अंसारी आप सभी लोगों का विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाई वो पीवीआर सिनेमास की थी, वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड सिनेमा हॉल्स ऑफ मुंबई एंड साउथ मुंबई का नंबर 1 सिनेमा हॉल है वो. इट्स अ हाई एंड मल्टीप्लेक्स. अपने बहुत सारे ब्लॉग्स है स्पेशली इस थिएटर के, मोस्ट लग्जरियस सिनेमा इन मुंबई वो वाला. एंड इट ऑल्सो हाउसेज द पैलेडियम मॉल जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड मॉल्स है. सब ब्रांड्स है वहाँ पे अवेलेबल. देयर इज गुची, देयर इज एम्पोरिया अरमानी, फेरागामो, सेल्वेतोर, एवरीथिंग. वहाँ पर पहले दिन जब मैं गया था कश्मीर फाइल्स के लिए तो गए सिर्फ और सिर्फ एक शो था कश्मीर फाइल का. कैन यू बिलीव इट? हाँ, मैंने साइन में राधेश्याम देखी, उसके बाद आई वेंट टू पीवीआर, वहाँ पे एक शो था एंड वहाँ पे वो एक शो भी आई जस्ट मिस दैट शो. 12:30 का शो था तो वहाँ से हैड टू गो टू न्यू एक्सेलसियर एंड वहाँ जाके मुझे 1 बजे का शो मिला. आज जब मैं गया पलेडियम एंड आई वेंट टू पीवीआर, व्हाट डिड आई सी ओवर देयर? द शॉक ऑफ माई लाइफ. स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा बोलने का कंटेक्स्ट क्या है. वो फिल्म जो फ्राइडे को इतने हाई एंड मल्टीप्लेक्स में सिर्फ एक शो थी, आज वहां पर वो 5 से 6 शोज है. 6 शोज गाइज वहां पर. कैन यू बिलीव इट? दिस इज ह्यूमंगस. कश्मीर फाइल्स इज गोना बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर. हाँ, डबल कलेक्शन, फ्राइडे डबल कलेक्शन. इतना ही नहीं, मैं आपको लखनऊ के एक सिनेमा का हाल बताता हूँ, फन सिनेमा का. राधेश्याम 12:20 का शो 29%, 1:40 का शो 33%, 8 बजे का शो 19% ऑक्यूपेंसी हिंदी में. कश्मीर फाइल्स 12 बजे का शो 90%, 3 बजे का, 4 बजे का, 7 बजे का हाउसफुल. दिस इज द सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया. कश्मीर फाइल्स हैज टेकन अ ह्यूमंगस ओपनिंग ऑन सैटरडे ऑल्सो, विच इज एब्सोल्यूटली इनसेन गाइज. मैं आपको ऑक्यूपेंसीज बताऊंगा, यो गोनो गो क्रेजी गाइज. बात करेंगे आज की, ऑब्वियसली पहले दिन 3.55 करोड़ का इंडिया नेट आया था. जो अभी हम कलेक्शन जब डिस्कस करेंगे, हम रोज प्रेडिक्शन में सिर्फ आपको नेट कलेक्शन जो है इंडिया का वो बताएंगे, ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड जो मेन ऑफिशियल एपिसोड रहता है सुबह का वहां पर आएगा. बात करूं गाइज यहाँ पर अभी हिंदी की, तो मॉर्निंग शोज ओपन ब्रिलियंट गाइज. ब्रिलियंट मीन्स टॉप नॉच. ऑलमोस्ट 12 बजे तक 40% ऑक्यूपेंसी हो गई थी. आफ्टरनून की बात करूं 67% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज 84 एंड रात को 91% की ऑक्यूपेंसी चल रही है. कश्मीर फाइल्स गोना बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर. डोंट बी सरप्राइज्ड, ये फिल्म 50 करोड़ तो ऐसा कमाएगी. अगर अगले हफ्ते बच्चन पांडे नहीं होती देन गाइज 100 करोड़ भी ये फिल्म कमा लेती. यस, बच्चन पांडे विल बी अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन, लेकिन हु नोस, कश्मीर फाइल्स कुछ भी कर सकती है गाइज. ये एक एक रेज बनने वाली है, ये एक कल्ट फिल्म बन जाएगी पूरे इंडियन सिनेमा में आने वाले समय में. बात करो मुंबई की, तो मुंबई में स्टैगरिंग 276 शोज. कल आपको क्या बात की थी हम लोग ने, 153 शोज से कितना बढ़ेगा. आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ होऊंगा एंड लुक एट दिस 276 शोज. अब संडे का इंतजार करो, संडे इज गोना बी अ संडा, इज गोना बैश द बॉक्स ऑफिस. दिस फिल्म इज गोना बी अ बॉक्स ऑफिस विनर एंड मुंबई में रात के शोज 91% पे चल रहे हैं. दैट मीन्स योर फिल्म इज डन, इट्स अ ब्लॉकबस्टर गाइस. बात करो दिल्ली एनसीआर की, 345 शोज, ह्यूमंगस, 87% की ऑक्यूपेंसी गाइस. पुणे की बात करो, 83 शोज है एंड रात के शोज 96% पे चल रहे हैं. बेंगलुरु टोटल ऑक्यूपेंसी फुल डे 71%. हमने सूर्यवंशी, अंतिम, SMJ2, बंटी बबली, कितनी पिक्चरें देखी. इवन पुष्पा बैंगलोर में हिंदी वर्जन नहीं चली थी जब नेक्स्ट वीक रिलीज हुई थी, तो गाइज यहाँ पर बैंगलोर ऑल्सो इज रनिंग 77 शोज में. शाम की ऑक्यूपेंसी 80%, ओवरऑल ऑलमोस्ट 70+ है. हैदराबाद में
99% ऑक्यूपेंसी फॉर द नाइट शोज, 40 शोज में, कोलकाता में 77 शोज में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 58% की है एंड 85% रात की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद 120 शोज कर दिए हैं, 79% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई वॉज सोल्ड आउट फॉर द डे, 23 में 23 शोज हाउसफुल थे। सूरत की बात करूं 64 शोज में 50% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 39 शोज में 80% ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में 87% ऑक्यूपेंसी, 41 शोज। लुक एट भोपाल, दिस इज एन ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर। ये कोई स्टेट वाइज फिल्म नहीं है कि मुंबई सर्किट में चल जाएगी, दिल्ली में चल जाएगी, एनसीआर में चल जाएगी, नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में चल रही है गाइज। एंड द रिएक्शंस आर ह्यूमंगस, यूनानिमसली अप्रिशिएटेड फिल्म है। एंड एलकेओ की बात करूं यानी कि लखनऊ की, लखनऊ आज जागा है, 91% ऑक्यूपेंसी, 61 शो। इसी के साथ गाइज माय प्रेडिक्शन थोड़ा हायर रख रहा हूं, मैं चाहता हूं फिल्म ज्यादा कमाए 7 से लेकर 8 करोड़। सुनने में कैसा लग रहा है? शॉक्ड, अच्छी फिल्म ऐसी चलती है गाइज, सीरियसली बोल रहा हूँ। पहला दिन 3.55 करोड़ एंड सेकेंड डे द कश्मीर फाइल्स कहीं ना कहीं 7 से 8 करोड़ कमाएगी। एंड अगर ये 7.5 करोड़ भी कमाती है तो दो दिनों का कलेक्शन 11.05 करोड़ होगा। लेट्स बेट बिग, संडे 10 CR, यस संडे फिल्म 10 करोड़ रुपए कमाएगी, यानी कि 3 दिनों में 21 करोड़। दिस इज आउटस्टैंडिंग, कश्मीर फाइल्स इज अ ब्लॉकबस्टर। नहीं देखी है, कल अगर टिकट मिल जाए तो देख लीजिएगा, क्योंकि गाइस टिकट्स मिलना कल इस फिल्म के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल होगा। मंडे को मिल जाएंगे आपको टिकटें, लेकिन कल संडे इज गोना बी सोल्ड आउट ऑल ओवर इंडिया। ओके, ट्राई कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस और शोज ऐड करने वाले हैं, कश्मीर फाइल्स के बहुत सारे शोज मिलने वाले हैं इसको आने वाले समय में। ओके, मियां बरंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।